बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कहाँ पहुँचे थे? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पर पहुँचे थे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पर पहुँचे थे। बच्चियाँ बोलेंगी तो मजबूरन मुझे फिर लाइट मारनी पड़ेगी, और मैं इसे एटिकेट्स के अगेंस्ट समझता हूँ। मुझे मजबूर ना कीजिएगा मैं बच्चियों की तरफ लाइट करूँ, लेकिन ये मजबूरी है आपको अलर्ट करने की। इट्स अ वेरी इंसल्टिंग पॉइंट के टीचर शुरू करे और आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है? बच्चियां ध्यान रखें, इन्हें मैं निमट लूंगा इंशाल्लाह। जी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ऑटम क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स? मैं हर दूसरे दिन अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को पेश करूंगा। मेरी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अगर मेरी डिस्कशन से पास पेपर सॉल्व हो गया तो मैं जीत गया, तुमने सॉल्व कर लिया तो हम जीत गए, और अगर ये काम हो गया तो हम दोनों, और हमने एग्जामिनर को हरा दिया और उसे हमने हराना है, ठीक है? इंशाल्लाह कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1.8 से मल्टीप्लाई करो, 1.8 से जल्दी बच्चियों, जल्दी 12 मिनट में जो सॉल्व करेगा उसे भी 100 रुपीज मिल जाएंगे। 12 मिनट है आपके पास, आंसर नहीं देखना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। 100 रुपए का क्वेश्चन है भाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर नहीं देखना। जी बच्चों शुरू करो। कितने मिनट हो गए हैं क्वेश्चन को? जी 5 नहीं, ज्यादा हो गए हैं यार, चलें जल्दी से करें, 5 मिनट और। शाबाश शाबाश, सब ट्राई करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपको भी वही टाइम दे रहा होता हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है कि आप भी एलोकेटेड टाइम में क्लास की तरह क्वेश्चन सॉल्व करें। सिर्फ वीडियो वॉच करने से बेटा पेपर की तैयारी नहीं होगी, आपको मेरे अंदाज से ही चलना पड़ेगा। जब यहाँ क्लास में फिजिकल बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो आप घर में बैठ कर 12 मिनट में ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि आपको बिल्कुल क्लास वाला एनवायरनमेंट मिले। आप क्या करते हैं कि इतना टाइम ये जीरो है, चलो आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ये आपकी गलती है बेटा। दिस इज नॉट द राइट वे टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास। साथ साथ चलें फिजिकल बच्चों की तरह। जल्दी 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 बचे, जल्दी, कितने मिनट रह गए? कितने मिनट रह गए? आइंदा से जब क्लास में काम दूं तो स्टॉप वॉच ऑन किया करें, मोबाइल में होती है स्टॉप वॉच। इंशाल्लाह देखना पेपर ऐसे लगेगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, अल्लाह ने चाहता। जी हो गया टाइम, 1 मिनट, जल्दी जल्दी देखें कितने परसेंट ट्राई होता है। ये देखो ये बच्ची अब थोड़ी सी स्पीड अप हुई है। शाबाश शाबाश, कीप इट अप, गुड 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 भाई, जीतने वाले से मेरे साथ चलें। वैसे भी हर बच्चा मेरे साथ नहीं चल पाता, वो कहता है ये तो पागल है आदमी। जल्दी बच्चियों, जल्दी जल्दी ये घर जाने, गुड 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 बच्चियों, जल्दी जल्दी
नहीं तो बिरयानी बना के खिलानी पड़ेगी अगर लेट करोगी तो। सर मैं घर में काफ़ी कुछ बना के खिला देता हूँ। छः महीने वो बनाती है, 6 महीने मैं, सर्दियों में मेरी ड्यूटी होती है। चलो तुम 12 महीने बनाओगे, तुम कितने महीने बनाओगे जल्दी से? लाइव स्ट्रीमिंग में देखा है, प्रोजेक्टर चेंज की नजर मार दी। तुम तो बिजनेस क्लास में बैठे हुए हो, वहाँ इकोनॉमी क्लास चल रही है। कोई ग्रीवेंस हो लाइव स्ट्रीमिंग मैनेजमेंट की, ग्रीवेंस कोई हो आपकी, कोई प्रोटोकॉल में कमी हो, रिस्पेक्ट में कमी हो, कोई फोकस ना किया जा रहा हो आप पे? मैडम तंग तो नहीं करती? थोड़ी डैडी मैडम है, ध्यान से। जी सर जी, क्या क्या ग्रे? शुरू करूं बेटा? कितनी अटेम्प्ट्स के लिए आए हो मेरे पास? बस एक अटेम्प्ट F1 की जिंदगी में हमारे पास, और इंशाल्लाह अब हम FR2 की तरफ शुरू करने लगा हूं मैं। इजाजत है? अब आपने देखना है कि 12 मिनट जो एलोकेटेड टाइम था उसमें मैं कितने परसेंट अचीव कर पाया। ठीक है, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बारबेरे सीमेंट लिमिटेड BCL फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड हैविंग अ कैरिंग वैल्यू का मतलब किस डेट की? 31/12 आई जी, हेलो, कंप्यूट द टू बी रिकॉग्नाइज एज एट, तो फिर ये कौन सी डेट बनी? लाइट पे मेजरमेंट डेट WDB से आगे लेके जाऊं या sukoon.com? sukoon.com तो आ जाओ। क्या चाहिए? कितनी है? 400 मिलियन, ऊपर मिलियन लिख दिया। कैलकुलेट क्या करना है? कब होगा? नहीं, कंडीशन क्या है? रिकवरेबल अमाउंट अगर WDB से तो इंपेयरमेंट लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन रिड्यूस्ड टू यूजफुल लाइफ। इस डेट पर खड़े होकर री एस्टिमेट हुई तो पता चला 4 साल। अगर ये बात है तो वैल्यू इन यूज कितने साल की? आप ध्यान से बताएं, इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं? ध्यान से, 31/12 ये मेरा T0 है, ये मेरा, तो फिर ये क्या है? T1। अच्छा, मैं यहाँ पर भी T0 लिख देता हूँ ताकि आपको आदत रहे कि हमने लिखना होता है। फिर टी, ओके, कोई टेंशन? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर ऑफ द इनफ्लोस फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी बाय द फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट, ये क्या है? किस साल के? 2021 के। कितने? 200। अब रुक जाना, अगर यहां क्वेश्चन खामोश हो जाता तो ये 200 चलते रहते। वो क्या कहता है? दीज
इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू डिक्रीज इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर ड्यू टू ईच सब्सिक्वेंट का मतलब हर अगला पिछले से 10%, हर अगला पिछले से, अब बताएं जी 10 कम कर दें 10%, अब इसका 10 लगाऊं इसका 10, बोले आगे बोले 1, राउंड ऑफ कर दिया करें, एमसीक्यूज नहीं है, sukoon.com, ओके बच्चों बातें नहीं बेटा, आउटफ्लोज फ्रॉम आउटप्ले आउटफ्लोज फ्रॉम ना कहा करें क्या कह दिया करें फॉर, आई कैप ने यही लिखा है लेकिन फॉर होना चाहिए, आउटफ्लोज फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर आर एस्टिमेटेड एट 2021 का आउटफ्लो 80, ओके दीज आउटफ्लो वुड इंक्रीज यहां वापसी हो रही यहां रवानगी हो रही, ये डिसेंडिंग है ये असेंडिंग है, कोई टेंशन लगा दो 5% कितना, अब 5 किस पे लगाऊं बोलो 88 रहने दे आगे 93 करते हैं, इस पर लड़ना नहीं है, मेहरबानी यार आपकी है, अच्छा बच्चे हेलो ये नहीं बनाना टोटल नहीं बनाना, टोटल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टोटल की बेस पे तो डिसीजन नहीं होना, अहमद के बिहाव पे मैं आपसे माजरत करता हूं, चलो जिंदगी में याद रखना सॉरी करने में देर ना लगाना और मानने में भी देर ना लगाना, हदीस का मफहूम है जो जल्दी से राजी हो जाए देर से नाराज हो ये लोगों के करीब है अल्लाह के करीब है जन्नत के करीब है, जो जल्दी नाराज हो जाए देर से राजी हो ये अल्लाह से दूर है लोगों से दूर है जन्नत से दूर है, तो जल्दी से मान जाए करें ठीक है, मैं कहूँ एक्स्ट्रा क्लास मान गए टेस्ट मान गए छुट्टी कैंसिल मान गए सर आपने कहा था आज बस 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 ओए बस सॉरी आगे चलो एक्सक्यूज मी BCL नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ, अब टैक्स की वजह से पैसा देना पड़ेगा लेकिन फॉर्मेट में क्यों नहीं लेना, कल मैंने कहा था कि एक्सक्लूड रखना है इग्नोर रखना है तो इसको इग्नोर मारना है मेरे फैट बॉय प्लीज बातें नहीं ठीक, क्या करना है टैक्स की पेमेंट रिसीट को आगे चलो डेप्रिसिएशन ओहो ऑन प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन क्या करो इग्नोर क्यों नॉन कैश आइटम है भाई इसकी बात कर रहा हूं क्या है और यहां नॉन कैश आइटम ने ये क्या नॉन कैश आइटम है नहीं ये एज पर रूल नहीं आना ये एज पर नॉन कैश आइटम नहीं आना कितने बच्चों ने इन दोनों को इग्नोर किया था ठीक है आगे चलो बातें नहीं कमेंट्री नहीं द प्लांट्स नेट नेट का मतलब डिस्पोजल कॉस्ट माइनस कितनी कब यूजफुल लाइन है कब एंड होना है लिख दो कितनी कहां लिखूं आउटफ्लो इनफ्लो इनफ्लो ओके टिश्कु टिश्कु ये क्या है एंड कौन सा लूं पक्का लॉक कर दो कितने परसेंट इससे रिलेटेड कुछ और तो नहीं जल्दी से करो नेट आगे 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 पक्का आगे कौन है बोलो बोलो एक बच्चा
8928 कोई बात नहीं 0.796 0.712 0.636। इतने प्यार से कहा करोगे ना मैडम गलती होगी तो कभी भी कुछ नहीं कहेगी। 6 बड़ा सॉफ्ट आदमी होगा जिंदगी में और नफासत पसंद होगा, बिल्कुल कपड़े धोके प्रेस भी करके दिया करेगा। आगे चलो आगे 73 97। जो मुझसे पुराना पढ़ चुके हैं मैं उनसे मजाक करता हूँ जरा, मुझे उनकी आदतों का पता होता है कि ये माइंड नहीं करते। आपसे एफआर टू में इंशाल्लाह ठीक है। चलो जल्दी से ये टोटल ना लिखा करो, क्या लिखोगे? शाबाश वैल्यू कितना? 333। शुक्र है 333 है, 222 होता तो कोई बात नहीं भाई जान, हमने 3 लगाना है, कर लो जो करना है। आगे आओ मेरे बच्चों, ये क्या है? क्या चाहिए? हायर हो और दूसरा कितना लिखूं? किसे ढूंढने निकलूं? लेस कॉस्ट हो। यहाँ धोखा देता है और हमेशा ऐसे ही देता है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में मैं पहले कह दूं, कोई एग्जामिनर मेरे वर्ड्स देख रहे हों सुन रहे हों वो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं, सिर्फ बच्चों को ज़रा जेल करने के लिए समटाइम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, हरगिज़ हरगिज़ आपसे मजाक करना मकसद नहीं होता, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि एग्जामिनर इसको पॉजिटिव लेंगे। थैंक यू। अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज एट, कहते हैं आज जाओ एडवांस प्लांट मिल जाएगा 350 का। अब ध्यान से सुनना, बिक जाएगा, फेयर वैल्यू का मतलब बिक जाएगा, मिल जाएगा। तो मैंने तो तुम्हें बेचना है तो तुम्हारी क्या लगवाऊंगा चाचा से? फेयर वैल्यू। आज तुम्हें खरीदने जाएं तो कितने के मिलोगे? और आज तुम्हारे चाचा को तुम्हें बेच दिया जाए, अब बताओ खरीदारी का रेट लगाऊं बेचने का? तो ये लाइन तुम्हें इग्नोर मारनी थी। क्या मारनी थी? अच्छा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट के टीचर सिखाएंगे अदनान रशीद साहब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में या रेलिवेंट कॉस्टिंग में। आओ टिशकू BCL ने क्या किया? रिसीव की एक टू बाय द, किसी ने कहा मैं खरीद लेता हूं, ऑलवेज थिंक फ्रॉम, वो खरीदेगा तो मैं, जब मैं बेचूंगा तो मेरी, हैज रिसीव एन ऑफर टू बाय द फॉर रुपी। अब ये 250 क्या है? फेयर वैल्यू। अब उसने कहा है बेटा जब प्लांट भेजेगा ना तो जरा ध्यान से पैकिंग करी यार, साइड पे फॉर्म लगा दी ताकि टूटे मत, और ऊपर टेप लगा दी ताकि कोई अंदर बैठ ना जाए। हमने कहा नो प्रॉब्लम, BCL विल हैव टू शिपिंग साथ टू डिस्पैच द टू द, हम बेचेंगे तो 7 मिलियन 7 मिलियन इनकर करेंगे, इसे क्या कहते हैं? बोलो जी दोनों में से क्या आया हायर? कितना? 333। ओके हो गया। अब यहां क्या लिखो? 333 हुई इंपेयरमेंट, कितने की? 67। यहां से देखें 67 की इंपेयरमेंट हुई। ओके अब अपने आप को खुद नंबर दो जल्दी में, 7 में से 2 पूरे नहीं, जिसके पूरा ठीक है वो पूरे मार्क्स दे। वेल डन वेल डन। एक मिनट भाईजान, जी भाई यार फोन करके 100 मंगवा देना, नया सा नोट देना बच्चे को। आप सुनो भाई, हेलो कितने पास पेपर हो गए? 2, एक कल करवाया था और एक आज। अब एक और पास पेपर ला रहा हूं, आज के पास पेपर में
पहले 12 लेक्चर का कुछ मटेरियल आएगा, क्योंकि अभी मैंने रीवैल्यू नहीं करवाया, अभी मैं कॉस्ट पे ही पहले पक्का कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं बच्चे, जिस पे बाय करते हैं वो कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं होती। पक्का पक्का पक्का, बस बस बस। तो आइंदा से अपने दिमाग से खर्च डालो, क्या परचेज प्राइस कॉस्ट ऑफ एसेट, कुछ चीजें उसमें और कुछ उसमें से, कुछ पे इग्नोर मारना, जिस पे इग्नोर मारना। क्या मारना है? इग्नोर मारना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर कब आया था, कौन सा क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? 11 मार्क्स का। अब सुनो, मुश्किल करवाऊंगा क्लास में, आसान दूंगा होमवर्क में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 11 का। मैं ही करवा दिया करूं या पहले थोड़ा सा तुम्हें हिलाया करूं? पहले आप हिला करें, फिर ही मजा आता है क्लास का, वरना तो कॉपी करके चले जाएंगे तस्वीर लेकर। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन? जरा 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 20 मिनट तुम्हारे 100 रुपए मिलेगा, जो पहली दफा में 100% ठीक करेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो अभी दे रहे हैं भाई, पुराने वाला 100 भी दे रहे, नया 100 भी मंगवा ली, 200 मंगवा ली। यार जल्दी से मुझे जीत के दिखाओ, शाबाश। रहने दो, हमारे पास 200 पड़ा हुआ है। लो भाई, जी जी जल्दी से आज ले जाना, ये ना वो वापिस चला जाए। दे रहा हूँ ना अभी, जरा एक ही दफा देंगे, क्लास डिस्टर्ब होती है, क्लास के बाद क्लैपिंग करवाएंगे। बच्चियों तुमने जीतना है ये 100, वरना मैंने तुमसे 200 ले लेना। तुम सुकून से बैठी भी हो, जल्दी करो जल्दी जल्दी। अब ऑनलाइन तुमने ये नहीं कहना कि वीडियो को आगे करता हूं, तुम सॉल्व करो मेरे साथ प्लीज ऑनलाइन प्लीज, वरना मैंने कैमरे में से आ जाना है। जल्दी करो, आंसर नहीं देखना किसी बच्चे बच्ची ने। Thank you.
आओ बच्चों, ऑन अक्टूबर 1, 2004 ARC लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ एंड एनहांसमेंट ऑफ इट्स बॉट अ प्लांट हैविंग इनवाइस वैल्यू ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स पॉपुलर ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स. इनवाइस वैल्यू इंट्रो परचेज प्राइस. क्या यहां तक कोई इशू? मिस्टर असलम, वन ऑफ द डायरेक्टर्स वॉज असाइंड द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजिंग द अदर इंफॉर्मेशन इज अ स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज अलाउड बाय द ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द इन्वॉल्व्ड इन द डील हु हैड क्लोज एसोसिएशन विद मिस्टर. नॉर्मली द सप्लायर अलाउज ओनली 10% टू हिज. ऑलवेज थिंक फ्रॉम मार्केट में जो मर्जी डिस्काउंट चल रही हमें कितनी मिली. ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं? कौन है भाई ऐड करने वाला? नहीं, माइनस करते हैं प्यारे भाई. ठीक है, अब सुने भाई, ए पार्ट क्या कह रहा है. इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ, कह सकता हूं माजी में लेके जा रहा है. और ये क्या कह रहा है? इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज एट 30 जून 2000 एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देयर ऑफ. इंपेयरमेंट कब चेक करनी है? 30 जून 2000, 30/6/2005. अच्छा, अब चलते हैं वापस. खरीदा कब? जी 1/10/4. कॉस्ट देखनी थी तो पहली आइटम परचेज प्राइस कितनी दी हुई है? 1000 कॉमन है. जरा सब्र तो कर लो. 25 के साथ 6 सिफर लगने थे, यहां 1000 कॉमन है तो क्या लिख देता हूं? 3-0. और यहां क्या कर देता हूं? जोर से बोल के डराया ना करो, कमजोर दिल है मेरा. लेस, क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है पूरे दिन तो मैं कोई नहीं मिलता लगाने के लिए. चलो, कितने परसेंट बोलो जी? 6/2 माइनस कर दो, क्या बचा? चलो माइनस लगा रहने दो, माइनस लगा रहने दो बस. आगे ओके हो गया. द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन साइट प्रेपरेशन में जो भी खर्चा होगा, सैलरी ऑफ एंड लेबर, इंस्टॉलेशन में जो लेबर लगेगी उसकी कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में क्या लिखूंगा? एड इंस्टॉलेशन कॉस्ट. अब उसमें जो जो चीजें आएंगी वो लिखते जाएंगे. पहली क्या है? सैलरीज कितनी है? ऐड कर दूं? 1000 कॉमन है, ठीक है 1200. जो जो आपका ठीक है उस पर टिक करते जाएं, पता चल जाएगा रेड है या ब्लैक है. ठीक है, शाबाश, रेड बॉल पॉइंट साथ रखा करें. सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क रेफर सी बिलो कितना है? आगे ध्यान से. सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ अमाउंटिंग टू विच वर इंट्रो. नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, मिस हैंडलिंग, एबनॉर्मल लॉस. याद करें, एबनॉर्मल लॉस कहां जाता था? एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में. मेरा इंट्रो, तुम्हारा भी इंट्रो, हम सबका इंट्रो, यही पूरे कैफ की बेस है. लिखो, बुक पे लिखो.
सर बुक तो हम लाते नहीं, लोग शक करते हैं हम स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंट रहना नहीं चाहते, तो फिर बुक लाया करो ना। लिखो एबनॉर्मल लॉस। जो बच्चा बुक लेकर आता है वो जो सीखेगा, दूसरा बच्चा वो नहीं सीखेगा। क्या लिखा? एबनॉर्मल लॉस, चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हेलो, इस 1.5 लाख की एंट्री बोलो एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अच्छा, चीजें गिनी है, ठीक है। क्या कर दो? परचेजेस, चीजें, क्रेडिट। गुड बेटा, चीजें, क्रेडिट। सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। कभी परचेजेस क्रेडिट कर दूंगा, कभी गुड्स और कभी इन्वेंट्री। याद करो पीरियोडिक और क्वेश्चन साइलेंट हो तो पीरियोडिक, इसलिए परचेजेस क्रेडिट कर दूंगा। अब बताओ ये 1.5 लाख एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है? नहीं होना। भाई जान ने इसमें लिखा हुआ है, तो भाई जान को क्या कहूंगा? भाई जान यहां से निकाल दे, आपने गलत फिक्स एसेट डेबिट करवा रहे हैं। फिक्स एसेट ने तो डेबिट होना है, 2800 माइनस 150। बोलो 26। शाबाश, कितने बच्चों ने एडजस्टमेंट ठीक की थी? वेल डन, रियली अप्रिशिएटेड। ये एवरेज बच्चों से थोड़ी सी ऊपर की एडजस्टमेंट है, क्योंकि इंट्रो को आपने किसी वक्त अपने हाथ से नहीं चलाया था। तो मैं फॉर वन के रूम में एंटर हो तो तुम्हारे जहन में इंट्रो ओपन होना चाहिए। पक्का? आओ जी, नाम बताओ। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। कैलकुलेटर अपने लाने हैं, बुक्स अपनी लानी है बच्चियों, कायदे आजम देख रहे हैं। आगे चलो, कितने बच्चे शेख बैठे हुए हैं? शेख बच्चे बच्चियां, शेख कास्ट से हो? डर रहे हो तो मिलो या मैं ही कर देता हूँ। यार शेख ऐसी कास्ट है कि बंदा क्लास में ना बता सके, बच्ची कह रही है शेख है। तू कुछ भी नहीं है मेरी जान, तूने क्या होना? जिस कास्ट में जाएगा वही कहेगी भाई चिंची में जा तू। अब सुनो, शेखों से पूछो यार शेख कितने का लिया है, तो क्या कहता है? 800 का घर पड़ा है। उसके बड़े भाई से पूछो कितने का लिया है, 900 का घर पड़ा है। उसके अब्बा जी से पूछो कितने का लिया, 1000 का घर पड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। शेखो माजरत। अच्छा वो झूठ नहीं बोल रहे, अब्बे ने बड़े भाई से लिया, बड़े भाई ने छोटे से लिया, छोटे ने बीबी से खरीदा। अब इनके घर में ही प्राइस क्या होती जा रही है, और एक दूसरे से कमाए जा रहे हैं और खुश हुए जा रहे हैं, हमने इतना कमाया इतना कमाया। याद रखना बिजनेस के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कमाई नहीं कर सकता, कमाई तो बाहर से करेगा। याद रहे की बात, लिखे बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कमाई नहीं कर सकता। ये पूरे सीए में यूज करना, बिजनेस का एक डिपार्टमेंट बोलो दूसरे डिपार्टमेंट से क्या नहीं कर सकता, कमाई नहीं कर सकता, अर्निंग नहीं कर सकता। अरे सुनो, ये मेरे दो डिपार्टमेंट, कैमरा डाले यार इनके सरों पे, डाल रहा है सर पे। ये मेरे दो डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मेरे लिए कोई आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए कुछ चीज़ें इसके डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं। मैं चला गया उमरे पे, पीछे इसने कहा यार भाई दे दो ज़रा थोड़े से मटीरियल, मैंने यूनिट्स तैयार करनी है। इसने दो नंबरी लगाई, अपनी कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाया और इसको दे दिया। इसने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये काम भी सर अंसारी का है, तुम भी सर अंसारी के लिए काम कर रहे हो। कहता मैं नहीं जानता, कह दे अंसारी को, मैंने प्रॉफिट के बगैर। उधर से इटालियन ताबूत में से आ गया वही ढांचा ही, क्या कहते हैं इधर आओ। इसने कहा क्या, तू सिस्टर डिवीजन से कमाई कर रहा है? क्या बोला? हाँ, डिवीजन ब्रादर नहीं होता, क्या होती है? ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। एक डिपार्टमेंट, भाई हर चीज में बोंगी नहीं माननी तूने, ठीक है।
पहली कुदरत ने इसके साथ नहीं। अब सुनो प्लीज, जब सीरियस बात चल रही हो फिर सीरियस। सिस्टर डिवीजन से कमाई नहीं करनी, ये दोनों आपस में सिस्टर डिवीजन है। अब इसने इसको प्रॉफिट रख के दिया, इसने कहा कर ले जो मर्जी, सर अंसारी ने अभी कॉल करनी है, मैं उनसे ट्रीटमेंट पूछ लूंगा। मैंने कहा इंट्रो से पूछ, ये सेलिंग प्राइस पे चीजें नहीं रिकॉर्ड करेगा, यहां कॉस्ट पे रखेगा। याद करो, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आना। याद करो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ओके। इकाई का तरीका, यूनिटरी मेथड। अब आ जाओ इधर, इलेक्ट्रिकल आइटम रिसीव फ्रॉम द कंपनीज ऑन मीन सिस्टर डिवीजन एट कॉस्ट प्लस। जालिम ने कितना प्रॉफिट इससे कमा लिया, 10%। सिमिलर आइटम्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट, यही आइटम इन बच्चियों को कॉस्ट प्लस तो बेचता रहे, क्योंकि ये तो आउटसाइडर है ना, इनसे कमाए, लेकिन इस मेरी सिस्टर डिवीजन से ना कमाए। हक करो एक दूसरे को, ठीक है। अब सुनो, स्मेल आ रही होगी, आगे प्लीज 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 प्लीज। इस 330 में कितना शामिल है, 10% प्रॉफिट, शाबाश। जब इंट्रो की मेहनत इंसान FR1 में हार्वेस्ट करता है ना, तो उसे बहुत खुशी होती है कि बच्चों से खुद जवाब आ रहे हैं। इसमें कितना जमा हुआ है, तो ये 100 है या 110? इसे लेके जाना है, क्या करूं, 110 से 100 से वो जो आए पक्का सॉलिड, शाबाश सॉलिड, शाबाश। कीप इट अप। बोलो इलेक्ट्रिकल आइटम्स, दोबारा करने लगा ध्यान से, इलेक्ट्रिकल आइटम्स। अब अगर तुम्हें ये यकीन आ चुका कि इंट्रो ही बचा रहा है हमें अल्लाह के फजल से, तो जूनियर्स को गाइड किया करो भाई, अकाउंटिंग को समझो, उसे याद मत करो, उसे याद मत करो, फिर तुम्हारा PRC तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारा CA नहीं होगा, ठीक। क्या करोगे, 3 / 100 / 100 बोलो 300 जी, ये लिखा हुआ है। प्लीज प्लीज मैं पढ़ा लूं बच्चियों। इलेक्ट्रिकल आइटम रिसीव फ्रॉम द कंपनीज ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट कॉस्ट 10%, तो जो मिला है उस पर 10% प्रॉफिट ऐड हुआ है, वो मैंने निकाल दिया, कॉस्ट ले ली। आगे जाने लगा हूं ध्यान से, इधर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग, क्या करूं, ऐड कर दें, लिख लें रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना, 600 सैलरीज, साइट प्रेपरेशन जो लोग कर रहे हैं उन्हें सैलरीज दे रहा हूं। आगे सुनना भाई ध्यान से, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ, ये हो गया जी जी, आ रहा हूं बेटा प्लीज, मुझे डी पढ़ दे एक मिनट में, चुप रहना है, पढ़ना है बस, डी पढ़ दे, सबने पढ़ लिया। मैं 1 जनवरी 2005 टेस्ट रन वाज एंड सक्सेसफुली ऑन 31/5 एट अ कॉस्ट ऑफ, द सेल प्रोसीड्स ऑफ वर, क्या करूं, ये है कॉस्ट, ये है प्रोसीड्स, माइनस करके नेट कॉस्ट। अगर मैंने टेस्ट में यहां 6/20 लिख दिया तो कॉस्ट नेगेटिव का मतलब, यहां ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट का मतलब कॉस्ट, क्योंकि सैंपल बना 5.50 का, सेल हुआ 6/20 पर, कितना फायदा,
70 का वो इसमें से, लेकिन ऐसा कभी दिया नहीं है। मैं इसलिए आपसे बोलता हूं ताकि कभी भी कोई बाहर से बात आए तो परेशानी ना हो। इसे क्या नाम दो? टेस्टिंग कॉस्ट। बताओ जी, 500 माइनस, बोलो, 200। द कंपनी इज प्रेजेंटली ओब्लाइज्ड टू डिसमेंटल प्लांट एट द एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इज, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ना होती फिर भी क्या समझते? प्रेजेंट वैल्यू। हो सकता है आपके लेवल पे प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड ना बोले। व्हाट डू यू मीन बाय डिसमेंटलिंग कॉस्ट? किसी चीज को रिमूव करते हैं तो साइट को प्लेन करना है, नॉर्मलाइज करना है, उसे कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और ये एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल होगी, लेकिन रिकॉर्ड आज हो जाएगी। कितनी? क्या नाम दो? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कितनी? 250। ध्यान से, एक्सक्यूज मी, क्या 250,000 कर दे? कौन अहमद भाई से सही करवा देगा? आप करवा दीजिएगा, आज ही करवा दीजिएगा ताकि अगली क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। भाई इसे करेक्शन कर ले, 350 कंपोजिंग एरर है, 350,000 कर दे। जी मैं करने लगा हूं भाई, ये सही कर दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर लें भाई, बुक में भी 350 कर दें, बुक में भी 350 कर दें। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, बस 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 कंफ्यूजन नहीं, प्लीज आगे चलें। ये पैराग्राफ आपके मतलब की चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम टेक्निकल लोग नहीं हैं। मैं ये एसी खरीदूं और उसे कहूं कितना चलेगा तो वो कहेगा यार चल जाएगा। मैं कहूं नहीं डिटेल बता तो वो क्या कहेगा? तुम इलेक्ट्रिशियन हो, तुम कोई टेक्निकल बंदे हो? नहीं मैं सीएफ हूं। तो वो कहेगा जा यार काम कर, किसी टेक्निकल आदमी को भेज। ये लाइन ऐसी लिख के आई कैब हमारी नर्व्स चेक करता है। असल में तो इस पूरे पैराग्राफ की ये सिर्फ एक लाइन मैंने मतलब की है। होता क्या है, कल भी एग्जाम्पल दी थी, कार खरीदी, मीटर पे लिखा हुआ है 300 किलोमीटर भी जा सकता है पर आर, लेकिन जब 220 पे पहुंचे तो आवाजें आना शुरू हो जाएंगी कड़च कड़च। आपने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा भाई ये जितना एक्सीलरेटर पे पैर रख सकता है उसे थोड़ा सा पीछे कर दे ताकि कड़च कड़च काम हो जाए, जहाज ना बने तेरी कार। जब मैंने खरीदा तो जालिम ने क्या कहा? कहता है प्लांट वेंट इनटू नॉर्मल प्रोडक्शन फ्रॉम 1st फरवरी। ये देखें टेस्टिंग कब कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब कब से यूज में आया या काम? फरवरी। मेरा ईयर एंड कब है? 30 जून। कितना बनेगा डेप्रिसिएशन? 5 बनेगा। जरा फिंगर पे काउंट करो, सब कर लो बच्चियों, फिंगर दी हुई है अल्लाह ने मेरे, माशाल्लाह शाबाश, 5 बन गया। चलो अब आओ, नाराज नहीं होना बच्चियों ने। एंड अटेन 45 कैपेसिटी ड्यूरिंग द, कहता है पहले साल मैंने 45% कैपेसिटी अटेन की। आपको पता है शुरू शुरू में डिमांड बनने में टाइम लगता है, इसलिए एसड कम यूज होता है। I2B पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना? तो फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी पढ़ी होगी। आइडिया स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज, किलिंग स्टेज। ठीक, तो जब ग्रोथ होती है तो शुरू में बहुत प्यारा बच्चा है तू यार, ठीक है। एक तो जमाने ऐसे आ गए बंदा मारे तंस तो लोग समझते हैं वो जैसे बिल्कुल कांगड़ी सा बंदा होता है ना, वो स्लीवलेस पहन के बाइक पे जा रहा होता है, बच्चियां हंस रही होती है, वो क्या कहता है
हालांकि वो ये कह रही होती हैं भाई शर्ट पहन ले तेरी मेहरबानी ऐसी ही हवा में उड़ जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स के क्या है। चलो पास माशाल्लाह इस भाई को अल्लाह और खूबसूरत करे। इधर फोकस करो, वो तो मजाक की बात है। द कंपनी एट दिस स्टेज डिस्कवर्ड दैट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ऑफ द कैपेसिटी डिक्लेयर्ड बाय द जालिम ने जो कैपेसिटी की असल में हकीकी कैपेसिटी उतनी नहीं है 85% है। अब हम पहुंच गए सप्लायर के बाद, मैं ले गया अपने स्टूडेंट्स को, हमने कहा या तो हमें कंपनसेशन दे या फिर शीशे तोड़वा। उसने कहा यार शीशे ना तोड़ी तो कंपनसेशन। अब बार्गेनिंग शुरू हुई। द मैटर वॉज डिस्कस विद द एंड हिज द जेंट फाइनली एग्री टू पे आ ऑफ। कौन पे कर रहा? सप्लायर पे कर रहा। कौन पे कर रहा? बिजनेस पे कर रहा। समझो बात को, यहां बिजनेस पे कर रहा, यहां सप्लायर पे कर रहा। रहा चलते किसी मुसाफिर को किसे? हमें। सप्लायर ने दिया, हमने लिया। यहां हम दे रहे, यहां हम ले रहे। दे किसके लिए रहे? तो ले किसकी वजह से रहे? तो फिर इसकी कॉस्ट में से इसको कितना? ऑन ऑन ऑन। गुड आई जी, लेस कंपनसेशन। किसका 3% लगाओ जी? 7 ऐड करो, लेस करो और ढूंढे। बस जी भाई कोई टेंशन करो जी। बिस्मिल्लाह पढ़ो टोटल। टू ट्रिपल थ्री। बच्ची सही कह रही है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ो, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द। तो कितने पे रिकग्नाइज करोगे, मैयर करोगे? 2333 तो ये क्या परचेज प्राइस है या कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन परचेज प्राइस पर या कॉस्ट पर? आ जाओ। इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज एट 30 जून 5। अब मुझे बताओ ये जो कॉस्ट है, ये वाला एसेट बिजनेस में अवेलेबल टू यूज कब हुआ? 1 2 5। मुझे क्या चाहिए? कब की? ये कब की है? तो क्या करूंगा? और इसको लेकर आऊंगा 30 6 2005। एक मिनट में जिन्होंने नहीं किया वो कर दे। सारों ने नहीं किया होता ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जल्दी से कर दे, मुझे WD भी दे दे। जी भाई ये मुझे नहीं है, किसी और से पूछे यार। हेलो हेलो या हबीबी, यकीन करो तुम्हारी कसम मैंने ये नहीं कहा था, प्रीमिसेस में भी नहीं कहा था। वर्केबल लोकेशन और अब उसकी टेस्टिंग पूरी हुई 31/1/5 को, तो कब यूज करना शुरू करूंगा? 1/2/5 को। तो डेप्रिसिएशन कब से शुरू होगी? 1/2/5 से। ठीक है भाई जान। सर आप कुछ भी पूछे जी, हमेशा इनवाइस वैल्यू में से माइनस होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। अभी आ रहा हूं यहां पर सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट, 2 मिनट वेट करें बस। जिस बच्चों के जहन में डिसमेंटलिंग का पॉइंट आ रहा है मैं अभी क्लियर करके जाऊंगा।
आ जाओ। कितने पे बुक किया था? और आसान कर देता हूं, WDV बराबर होती है कॉस्ट माइनस, और पहले साल की जो डेप्रिसिएशन होती है वो ही। ओके, कॉस्ट बोलो 2333 माइनस करना है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये पहला साल है और पहले साल में यहां से यहां तक बाइंग से, वो बोलो बाइंग से। अब कोई बच्चा कहेगा ये बाइंग डेट नहीं है, नो प्रॉब्लम। अवेलेबल फॉर यूज से, अवेलेबल फॉर यूज से। तो जब कभी बाइंग डेट पहले हो, ईयर डेट ऑफ यूज बाद में हो, अवेलेबल फॉर यूज तो वहां से शुरू करना है। बोर्ड पे देखो 2330 मल्टीप्लाई बाय माइनस करके WDV ले आओ, डबल 2335 यहां लिख दो, 2335 8। यहां तक कुछ पूछ लो, आगे चल सकता हूं। क्या चाहिए हायर ऑफ लेस और वैल्यू इन, मैं ढूंढता चला गया थक हार के वापस आया, कौन नहीं मिली वैल्यू इन, तो क्या लिखो वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है। अब क्या चाहिए फेयर वैल्यू लेस, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू, कितने की बिक जाए अगर आज बेचो, तो बताओ कितने की ऑफर आई, 21, तो क्या कहूंगा 21,000, क्योंकि 1000 कॉमन है। अब यहां पेंसिल डेस्क पे रख दो जल्दी से करो, 5 मिनट आ गए बस। अब सुनो, हेलो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, जब उसे बेचूंगा उस वक्त जो मुझे सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, कॉस्ट टू सेल। लेकिन डिसमेंटलिंग के साथ मसला क्या हो गया, जब मैंने बाय किया तो मैंने डिसमेंटलिंग को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, अब अगर दोबारा लूंगा तो कितनी दफा डील हो गया, और करना है। और पूरे आईकैप के सिलेबस में अगर डिसमेंटलिंग क्वेश्चन में मौजूद हो तो हम उसे कभी ही डील कर लेंगे बाइंग डेट पर ही, इसलिए यहां उसे माइनस। इससे मैं भी एग्री कर रहा हूं कि वो कॉस्ट टू सेल है, ये नहीं कह रहा कॉस्ट टू सेल नहीं है, लेकिन उसे कब एस्टिमेट कर दिया था, एसेट की बाइंग के वक्त, एसेट की। अब बताओ शिपिंग कॉस्ट कितनी है, अच्छा नहीं वो क्वेश्चन नहीं है, ये तो मुझे बनाना पड़ेगा यार, ये तो बनाना पड़ेगा, वो दूसरा क्वेश्चन था भाई, बता दिया करें, नहीं मैं दूसरे क्वेश्चन में गुम था, यही है ना। आए जी, द कंपनी अकाउंट्स फॉर इट्स एसेट्स अंडर कॉस्ट मॉडल एंड एज ऑन 30 जून 5 इट एस्टिमेट 21 मिलियन। जज़ाकअल्लाह, 21 मिलियन ये आ गया 21,000 माइनस कॉस्ट टू सेल एज द फेयर वैल्यू ऑफ द, इट इज फर्दर एस्टिमेटेड, अंदाजा है दैट इन केस ऑफ डिस्पोजल द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इनकर्ड। पेंसिल डेस्क पे रख दी, गलती मान लेनी चाहिए, गलती मानने वाले से कुछ मसला नहीं पड़ता, सामने वाला फ्रेश हो जाता है जी। मेरे बच्चों यही क्वेश्चन था, अगला पेज
हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट कंधे पे नहीं जाएगा, चिंची पे जाएगा, तो फिर ये क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट है कितनी, 100 लें क्योंकि 1000 तो कॉमन है ना, 100। टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ लेबर टू बी लेड ऑफ, ये नया कॉन्सेप्ट है आपका, सुनना। हर एसेट जब बिजनेस में होता है तो वो यूज होता है, और यूज उसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, जिस मर्जी लेवल पे करें कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब वो एसेट हमें छोड़ के जाएगा किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां का जो स्टाफ है वो सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस स्टाफ इंसान को, बिजनेसमैन को दुखता है, कॉस्ट करता है। अब हम उसे क्या कहते हैं, भाई अब हमारा ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, काइंडली तुम क्या कर लो, नई जॉब तलाश कर लो। वो कहता है यार मैं मीडियोकर फैमिली से हूँ, तुम मुझे आज निकाल रहे हो, 2-3 महीने जॉब ढूंढने में लगेंगे, मैं क्या करूँगा। तो आप उसे कहते हो भाई मैं तुम्हें रिडंडेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यानी फारिग कर रहा हूँ, ये लो 1-2 महीने की सैलरी, जॉब ढूंढते रहो ताकि तुम्हारा किचन भी चलता रहे। इसको कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट। क्या कहते हैं, ये एसेट के बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि बाय लॉ कोई बिजनेसमैन बाउंड नहीं है कि अपनी लेबर को इस तरह के पैसे दे। ये एक एथिकल इशू होता है, और एथिकल इशू जो है वो एसेट की कॉस्ट से लिंक नहीं करता, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसकी एंट्री होगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट कैश, ये कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगा। लीगल कॉस्ट हमेशा आएगी, जब कभी सेल का डॉक्यूमेंट बनता है लीगल कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट होती है। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा, तो क्या नहीं आएगा, अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, वहाँ से स्लाइड से मैं आपको दिखा दूंगा कि ये चीज़ें कॉस्ट टू सेल का पार्ट। अब बताएं क्या क्या लूँ, 100, 100 और 50 कितना बना, 100, 100, 50 कितना बना, 20750। अब ये क्या है, दोनों में से हायर 20, क्योंकि जो नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, दोनों में से हायर क्या बना, 20750 वर्किंग नंबर 2 से आ गया, WDV वर्किंग 1 से आ गया। क्या इंपेयरमेंट हुई, कितने की, 1 6 0, ये क्या है, इंपेयरमेंट लॉस। सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस बताना है या एंट्री भी बतानी है, किसने कहा, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देयर ऑफ, बता दो जरा एंट्री, यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं, इंपेयरमेंट लॉस बोलो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और अकुमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने से, 1600। कोई और एंट्री इसकी हो सकती है, जी हो सकती है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और प्लांट क्रेडिट, बिल्कुल जैसे डेप्रिसिएशन किया करते थे, 1608। क्या समझा नहीं, बोलिए, ये तो इंपेयरमेंट लॉस है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री उसने नहीं पूछी, देखें जरा, एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी, इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज एट 30 जून 2000, आपने मेजरमेंट कब की, 30/6/2005 को, तो फिर इंपेयरमेंट अगर आई है तो रिकॉर्ड भी कब करोगे, एंट्री क्या पास करोगे, आप पूछें, जो पूछ रही थी कोई बच्ची आएगी अभी, वही तो बेटा कह रहा हूं, उसने किसकी एंट्री पूछी है आपसे, ठीक है, आप कहती हैं तो वो एंट्री भी कर देता हूं,
नहीं नहीं बेटा, इधर देखिएगा, एक मिनट बेटा चुप रहिएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में कितनी है, ये बनी है, बोलिएगा कितनी है, 970। इसकी एंट्री बोल दें 972। अब सुनिएगा, इंट्रो में नहीं, FR1 में एक और एंट्री सिखाई थी, वो क्या थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्लांट अकाउंट, कितने से, एक मिनट बेटा, ये दोनों आप पूछे, आपको क्लियर है बच्चे, नहीं इक्वल होती हैं ये, नहीं बेटा ये तो मैंने WDV पे जब अकाउंट बनाया था तो क्या एंट्री पास की थी, डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट। WDV पे जब एसेट अकाउंट बनाया था, आप क्लास में थे तो उस वक्त जाके देखे, मैंने ये एंट्री सिखाई थी, दोनों में से कोई और, इसलिए तो और लिखा है, इधर भी दोनों में से एक। अभी बैग बंद ना करें, पहले पूरी तसल्ली एंट्री की कर लें। इधर कोई बच्चा बोला था, क्लियर है, कोई और पॉइंट पूछना हो जी, इसलिए, ओ भाई बच्चे का सवाल पूछने के, कंपनसेशन लेस क्यों कर रहे हैं, हमने एक एसेट खरीदा, उसके फीचर्स बताए गए, बाद में कोई एक फीचर वैसा नहीं है जो उसने बोला था, अब हम क्या कहेंगे, हमने तो इस फीचर की वजह से एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, जब वो फीचर नहीं है तो प्राइस को क्या करो, तो उसने प्राइस को क्या किया, कम किया, हमने खरीदा था तो हमें ये प्राइस चार्ज हुई थी ना, बाद में उसमें एक फीचर नहीं है तो उसने हमें छूट दी, जो छूट दी वो ये है, सुनो, हेलो, इसको रिबेट भी समझ सकते हो, वो अलहदा बात है, गवर्नमेंट से रिबेट नहीं मिली, किससे मिली है, सप्लायर से, तो कंपनसेशन का दूसरा मतलब रिबेट। और पूछो वन बाय वन, इसमें भी ऊपर वाली करते हैं, और पूछो वन बाय वन, ओ भाई बच्चे का सवाल है, इंपेयरमेंट लॉस किधर रिकॉग्नाइज करेंगे, GP में से माइनस करेंगे, GP में ये भी माइनस हो रहा होगा और GP में से, और पूछे कुछ पूछना, और पूछे, स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, आप इंशाल्लाह जब क्वालिफाई करेंगी तो अपने लिए दो चार प्लॉट खरीदेंगी, ठीक है, जब प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे होंगे तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पर ई स्टैंप भी पे करनी पड़ेगी, एक तरह से समझे गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है, उसे स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। और पूछें, जाने नहीं देना, और पूछें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।